पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा का दौर अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जीआईसी कड़ी में एक बार फिर से उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान हुई गोलीबारी में भाजपा के 3 और तृणमूल के 1 कार्यकर्ता की मौत होने की भी खबर सामने आई है। इसके अलावा 3 लोग जख्मी हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश महासचिव सायंतन बसु ने कहा कि तृणमूल के कार्यकर्ता संदेश खली इलाके में भाजपा के झंडे निकालकर फेंक रहे थे। जब भाजपा नेताओं ने रोकने की कोशिश की तो तृणमूल के लोगों ने गोलियां चला दी और इसमें भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है।